मैदा का पूरी बना रहे हैं, इसको बंगाली में लोग लूची भी कहते हैं, पूरी कहिए, कचौड़ी कहिए, जो कहिए। दो कटोरी लेंगे, इसको छान के लेंगे। इसमें एक चम्मच नमक डालेंगे, और तीन चम्मच इसमें डालेंगे, तीन चार चम्मच डालेंगे, मोइन ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो खस्ता हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। लूची में इतना ही डाला जाता है। इसको अच्छे से मिलाएंगे मोइन को पहले, तभी गूंदेंगे। इसमें आप तेल जो आप खाते हैं रिफाइंड ऑयल, वही आप डाल सकते हैं। इस तरह करके खूब अच्छे से मिलाएंगे। पहले मोइन अच्छा से पूरे मैदे में मिल जाएगा, फिर इसको हल्के थोड़ा थोड़ा पानी डाल के फिर गूंदेंगे हम। देखिए अच्छे से मिल गया है, इस तरह बंधा मतलब मोइन अच्छे से मिल गया है इसमें। अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंदेंगे। नॉर्मल पानी से गूंदिए, नहीं तो ज्यादा गर्म पानी से गूंदने से अगर ज्यादा गर्म पानी हो जाता है तो अच्छा लूची नहीं बनता है, पूरी नहीं अच्छा बनता है। ऐसे ऐसे गूंद गया है, अब इसको थोड़ी देर कम से कम आधा घंटा रेस्ट करने दीजिए। आप एक घंटा भी दे सकते हैं, कम से कम आधा घंटा जरूर होना चाहिए। इसको ढककर रेस्ट करने देंगे। तेल लगा के बेलेंगे कि चिपके नहीं।
ज्यादा पतला नहीं करना है। तेल गरम नहीं हुआ, गरम हुआ उसका करने के लिए थोड़ा सा लेके उसमें डाल के देखते हैं। तेल गरम हो गया है, अब इसको डालेंगे हम। धीरे धीरे इसको दबाएंगे। एक और आपको डाल के दिखाते हैं। ज्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा ठीक रखना है तो अच्छे से फूल जाता है। एक साइड हो जाएगा तो दूसरे साइड पलट देना है। इस तरह दोनों साइड हो गया है, अब इसको निकाल लेंगे हम। लूची बन गया है, इसको आलू की सब्जी पूरी, इसको पूरी भी बोलते हैं, लूची भी बोलते हैं बंगला में इसको। वो आलू की सब्जी, आलू दम, पासा मांसो, चिकन, जिसके साथ खाने का मन हो आप खा सकते हैं। बनाइए, खाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि मेरा रेसिपी आपको कैसा लगता है। थैंक यू। ये आलू की सब्जी बनाए हैं पूरी के साथ खाने के लिए, आप भी बनाइए, खाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि मेरा रेसिपी आपको कैसा लगा। और आलू की सब्जी का भी रेसिपी डाले हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू।